हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आलू पफ बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने आटा का यूज किया है, मैदा का यूज नहीं किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो ये पसंद आएगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं बनाना। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने कढ़ाई गैस पे पहले ही रख दी थी, तो कढ़ाई गर्म हो चुकी थी। तो मैंने उसमें थोड़ा सा सरसों तेल डाला, उसके बाद स्प्रिंग ऑनियन डालने के बाद थोड़ा चला दिया, उसके बाद बारीक कटे हुए गाजर। स्प्रिंग ऑनियन जब आपका हल्का भुन जाए तब आपको गाजर डालना है, एक गाजर। 2 सेकंड के लिए कवर कर दें। जब दोनों फ्राई हो जाए तो शिमला मिर्च डालें बारीक कटे हुए, इसको भी थोड़ी देर फ्राई करने देंगे। फिर मटर डाल देंगे। अब इन सब को एक साथ फ्राई होने देंगे थोड़ी देर के लिए। उसके बाद हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और फिर अच्छी तरीके से चला देंगे। जीरा पाउडर के बाद गरम मसाला और फिर सब को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। इसके बाद इसमें मिलाएंगे बॉयल्ड मैश आलू। पहले से ही मैंने बॉयल करके मैश करके रखा हुआ था और अच्छी तरीके से मिला लेंगे। और सिम आंच पे इसको भूनना है, क्योंकि मोस्टली इसे हमें मिलाना है अच्छी तरीके से और आलू थोड़ा सा ही फ्राई करना है। अब डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार और ये देखिए कितना अच्छा मिक्सर बनके तैयार हो चुका है, रंग भी कितना अच्छा आया है। तो अब हम ले लेंगे आटा, जिसमें मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लिया है, थोड़ा सा नमक डाला और कश्मीरी लाल मिर्च डाला, ताकि आटे में भी एक अलग सा कलर आए। अब इसे हम सान लेंगे। और ये देखिए हमारा आटा मैश हो चुका है। तो फिर हम एक छोटी सी लोई, पूड़ी की जितनी बड़ी लोई बनाते हैं उतनी ही बड़ी लोई बनाएंगे और गोल गोल बेल लेंगे। जब अच्छी तरीके से गोल बेल जाए, और यदि आप एक चीज का आपको ध्यान देना है, यदि किनारे मोटी है तो उसको काट काट के साइड कर दें, हटा दें। कुछ इस तरीके से, ये देखिए। और अब जो स्टफ हमने तैयार करके रखा था उसको बीच में डालेंगे और हल्के हाथों से दूसरी तरफ से जो हमने बेल के रखा है उसको हल्के हाथों से लाएंगे और हल्के हल्के हाथों से दबा दें। यदि आपको लगे कि निकल जाएगा या फट जाएगा तो आप पानी का भी यूज कर सकते हैं, पर मैंने पानी का यूज नहीं किया है। और डिजाइन देने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, आप प्लेन भी रख सकते हैं, या तो आप चारों किनारी काट के बराबर भी कर सकते हैं। ये देखिए कढ़ाई मैंने गैस पे रख दी थी, कढ़ाई गर्म हो गया है, तो अब मैं रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। ये देखिए काफी अच्छी तरीके से बन चुका है। तब मैं इसको फ्राई करूंगी। हीट जो है मैंने गैस का एकदम सिम रखा और ये देखिए बनके तैयार हो चुका है। ये रंग इसलिए आया है क्योंकि मैंने आटा यूज किया है, मैदा यूज नहीं किया है। और ये देखिए गार्निशिंग के लिए मैं थोड़ा सा बंधा गोभी का बीच का पार्ट लेके उसको हल्का फ्राई कर रही हूँ। इस तरीके से। और आइए प्लेटिंग करते हैं। अब उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।